मुदित अग्रवाल जी, अब तो आम आदमी पार्टी बोलने लगी है ना। ठीक है सर, आप सुन लीजिए, आपके ना वो झूठ बोलने वाली सरकार है, ठीक है, ये आपके आरोप हैं। अब बार बार पूछ रहे हैं गोवा में और उत्तराखंड में कितने वोट आए, तो फिर वो पलट कर आपको पंजाब का चेहरा दिखा देंगे तो क्या रह जाएगा सर? सर एक बार सुनिए ना मुदित अग्रवाल जी, मुदित अग्रवाल जी सुनिए, अरे मेरे अंदर आप ही लगातार बोल रहे हैं ना मुदित अग्रवाल जी, आप टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते सर, आप टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते, इतना गंभीर मुद्दा है और आपके लिए आप समर्थक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मुदित अग्रवाल जी विषय से क्यों भटक रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भटक रही है क्योंकि आपका एजेंडा कुछ और लगता है मुझे, बोल लीजिए फिर आप, आपको मेरा एजेंडा ठीक है सर, मतलब मुझे लग रहा है मुदित अग्रवाल जी आप इधर उधर भटक रहे हैं। हरीश खुराना जी मैं सीधे आपके पास आते हुए, आपके पास ठीक है सर, मेन टॉपिक पर, हर हर रोज का डिबेट का अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, वो टॉपिक बताकर आप लोगों को बुलाया जाता है। अब आप लोग अगर कल से कहेंगे कि कौन से मेहमान विंडो में, सर सुनिए ना, कौन से मेहमान विंडो में हमारे साथ रहेंगे, तो उसकी डिटेल क्या आप मांग रहे हैं? अपना लेक्चर आप अपने पास रखिए, मेरे को जरूरत नहीं। मुदित अग्रवाल जी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप मेरे पे और एक सेकंड सर, लेक्चर नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं मिस्टर मुदित अग्रवाल, प्लीज। गलत बयानी आप ज्यादा करती हैं, आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, मीडिया से तो बिल्कुल नहीं चाहिए कांग्रेस को लेक्चर। चित्रा जी ये क्या डिबेट हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या डिबेट हो रही है, क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, क्या हम बात कर रहे हैं और क्या यहाँ पे बयानबाजी हो रही है? हरीश खुराना जी आपके पास आते हुए, जवाब तो आपको 15 सालों का देना है ना, 15 सालों के जवाबदेही से क्यों बचती है बीजेपी, उनका स्टिंग दिखा दिखा के 15 सालों वाले सवालों से थोड़े ना भाग सकते हैं आप लोग, क्या काम किया है? पहली बात, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कोई 15 साल की जवाबदेही भी नहीं भाग रहा। लेकिन अगर आप कहें कि हम भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं इनके अपने लोगों के द्वारा, हम वो भी ना उठाएं, वो बहुत गलत है। ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार का इन्होंने मानक सेट किया था ना, कि बहुत बड़ा मानक सेट कर रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा करी थी इसके खिलाफ, 370 पेज का डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, हम FIR कराएंगे, हम उनको पहले बर्खास्त करो, ये वही लोग थे ना, यही राजनीति करके आई। जब आप लोग ये आरोप लगाते हैं तो वो आपको कूड़े का पहाड़ दिखाते हैं। अब आप सोचिए एक मिनट चित्रा जी, एक मिनट सोचिए, जो लोग व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए देकर टिकट लेके आ रहा हो, वो क्या अगर जब खुदा ना खास्ता निगम पार्षद बन जाएगा, वो क्या भ्रष्टाचार नहीं करेगा? भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो पैसा वापस नहीं उगाएगा जो ऑलरेडी हो रहा है वहां पे, जो ऑलरेडी ये लोग इनके MLAs कर रहे हैं अपने विधानसभा के अंदर। सवाल इसी चीज का है कि हम भ्रष्टाचार की बात जो है इनके द्वारा जो उठाई जा रही है, हम उसको उजागर कर रहे हैं। और रही बात 15 साल के जो हमने काम किए, उसमें कोई नहीं भाग रहा काम, चाहे दिल्ली के सीएम का ये कहना है कि इस बार का जो चुनाव है उसका सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का पहाड़ रहने वाला है। करें, किसने मना किया? Let the people decide, जनता को डिसाइड करने दीजिए। जनता ने ये भी देखा है कि पिछले 15 सालों के अंदर आपने जब कोरोना निकला है, कोरोना के अंदर जब हम सब लोग मुख्यमंत्री घर पे थे, MCD के कर्मचारी आपके घर का कूड़ा उठा रहे थे, अब दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते ही नहीं है, उनको मालूम नहीं, कभी भारत दर्शन पार्क गए हो, कभी वंडर पार्क गए हो, उनको मालूम नहीं कैसे बनता है, कैसे बनाया MCD ने, उन्होंने दिल्ली के कभी MCD के अंदर जिम नहीं देखे। मैं क्या कह सकता हूँ, दिल्ली में रहते नहीं, दिल्ली के अंदर 2224 टिपर चल रहे हैं, ऑटो टिपर आपके घरों का कूड़ा उठा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम होगा क्योंकि दिल्ली में रहते नहीं है। 445 हमने कूड़ा मुक्त वो कर दिया, और वो बार बार वो भी कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ जो कुतुब मीनार जितना ऊंचा था उसको घटाने का काम भी तो किया गया है और लगातार कामकाज चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में साफ सफाई से लेकर हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। 10 सेकंड और, हाँ बोलिए 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 बोलिए। सीता जी, अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे कहा कि मैं लंदन से लेके आऊंगा इंजीनियर्स को, ये कूड़े का पहाड़ कैसे कम होगा? अब इनको दिल्ली में रहते हो तो मालूम होगा, ऑलरेडी वहां पर वेस्ट से एनर्जी बन रही है और 18 मीटर वो पहाड़ नीचे आ चुका है और नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब मेरे मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे तो उनको दिल्ली की नॉलेज हो, अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री एक पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं है, प्रॉब्लम ये है दिल्ली के साथ, इसलिए उनको MCD के बारे में नॉलेज ही नहीं है। MCD के बारे में नॉलेज नहीं है रवि श्रीवास्तव जी, और कूड़े का पहाड़ जब आप दिखाएंगे तो आपको यमुना का झाग भी बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा? अगर कूड़े का पहाड़ बड़ा मुद्दा है तो यमुना का जो गंदा झाग है क्या वो मुद्दा नहीं है रवि श्रीवास्तव जी? इस देश का तो प्रधानमंत्री भी फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं है पुराना जी, वो अभी इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर है, वो खाली इधर से उधर चुनाव प्रचार करते घूमते रहते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है,
देश कितना डूब रहा है उन्हें भी नहीं मालूम है ये बात, उन्हें भी नहीं मालूम कि अडानी को 87,000 करोड़ रुपया LIC का लगा हुआ है उसमें, जिस दिन भाग्य निकल के सब डूब जाएगा यहाँ पे। उन्हें भी ये भी नहीं मालूम है कि डॉलर 83 रुपए का हो गया, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि इन्फ्लेशन 7% से ऊपर चल रहा है। अरे पूरे हिंदुस्तान की वर्ल्ड की बात करेंगे, दाल रोटी की, दाल रोटी की बात करो, रेट की, हवाई हवाई दिल्ली की बात करिए, एमसीडी और भ्रष्टाचार की बात करते हो, दिल्ली के मुद्दों की बात करिए, कैसे भागे तुम्हारा भ्रष्टाचार, तो अभी 140 जाने ले चुका मोरबी के अंदर, अभी 140 जाने ले चुका मोरबी में, दिल्ली की बात ये नहीं करना चाहते, शराब पी करके 4,000 टन तुमने वहां पे अनलोड करी है।